तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं आईटी सेक्टर के पैनी स्टॉक की, दैट इज़ अवांस टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों, आज इस स्टॉक में फिर अच्छी तेज़ी है। ये जो स्टॉक है ये 1.53% की रैली के साथ 1.33 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आज भी इस स्टॉक में अपर सर्कल लग गया है। तो दोस्तों, आजकल इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कभी ये स्टॉक रैली करता है, कभी नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी ये जो स्टॉक है ये ESM लिस्ट 2 में डाल दिया गया है और ये स्टॉक कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा है। और इसकी जो PCAS इंडिकेटिव क्वांटिटी है वो 5,52,598 है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आइए इसकी लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं, फंडामेंटल्स और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक ज़रूर हमारे वीडियो को ध्यान से सुनें। दोस्तों, नए आए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों इसकी मार्केट डेप्थ देख लो। आज इस स्टॉक में हैवी बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। बाई की क्वांटिटी 10 लाख से भी ऊपर है, जबकि सेल की क्वांटिटी जो है वो 77,000 के अराउंड है। तो आज इस स्टॉक में हैवी बाइंग जो है वो देखने को मिली हुई है। और आज यदि इसकी डिलीवरी की पोजीशन देखें तो 100% कमुलेशन इस स्टॉक में देखने को मिली है, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी ट्रेडेड है 2,16,452 की है, इतनी ही डिलीवरी है। तो आइए दोस्तों इसकी लेटेस्ट न्यूज़ जो आ रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके जून क्वार्टर के नंबर्स देख लो। दोस्तों, मार्च के कंपैरेटिवली जून में कंपनी के नंबर्स रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं। टोटल रेवेन्यू देख लो, वो भी बढ़ गया है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा जंप देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी लॉस से निकल कर अब प्रॉफिट में आ गई है। मार्च में कंपनी को 0.07 दैट इज़ 7 लाख के अराउंड लॉस हुआ था, और यहाँ पर देख सकते हो अब इसका जो नेट प्रॉफिट है 0.18 हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। दोस्तों, आजकल इस स्टॉक में एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है, उसको आइए देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब ये कंपनी अपने निवेशकों को बनाजा दे सकती है और अपने निवेशकों को जो स्टॉक स्प्लिट है वो भी दे सकती है। उसके रिगार्डिंग एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आज की है, तो हम ये भी आपको बता देते हैं कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो फिक्स कर दी गई है 25 सितंबर। दोस्तों, आज आप नोट कर लो, आज 18 सितंबर है, तो 25 सितंबर को इसके बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उसकी मीटिंग होगी, जिसमें ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को बनाजा दे सकती है और अपने निवेशकों को कह सकते हो कि स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक सब डिवीज़न दे सकती है। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट से क्या होता है, स्टॉक की प्राइस कम हो जाती है, स्टॉक मोर अफोर्डेबल हो जाता है, उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, शॉर्ट टर्म में इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जो वॉलेटिलिटी है वो तो रहती ही है। हाँ, यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो उसका आपको पूरा बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड ऑन 25 सितंबर 2023 टू कंसिडर एंड अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द सब डिवीजन एंड स्प्लिट ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इन सच ए मैनर एज मे बी डिटरमिंड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो दोस्तों, अभी जो स्टॉक स्प्लिट की रेशियो है वो नहीं बताई गई है, ये आप नोट करके रखो। अभी स्टॉक स्प्लिट और डिवीजन की जो रेशियो है वो नहीं बताई गई है। जो भी रेशियो होगी दैट विल बी डिसाइडेड इन द मीटिंग, जो भी कंपनी डिसीजन लेगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी ग्रांटेड नहीं होता है। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी मीटिंग होगी, वो देखेंगे कि कितना स्प्लिट देना है, देना भी है या नहीं देना है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अवांस टेक्नोलॉजी के शेयर में आज भी 1.53% की अच्छी रैली है, मतलब ये स्टॉक अब अपर सर्किट में लॉक हो गया है। तो अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली हुई है, क्योंकि दोस्तों पहले इस स्टॉक में गिरावट हो रही थी, तो गिरावट के बाद एक रिवर्सल जरूर देखने को मिला है। जैसे ही ये न्यूज़ आई कि कंपनी अपने निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट दे सकती है, तो इसमें अपर सर्कल लगने शुरू हो गए। अब 5 डेज़ में नियरली निल जो रिटर्न्स हैं, क्योंकि पहले 2 लोअर सर्कट लगे, फिर अब अपर सर्कट लग गए हैं। अब 1 मंथ का भी डाटा देख सकते हो आप। ये जो स्टॉक है पहले बहुत ही बड़ी गिरावट में चला गया था, इसमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली थी। 1.62 का लेवल इसका एक अपर रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट आई। तो अब ये जो स्टॉक है फिर एक रेंज बाउंड काम करता दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में 1.35 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, जबकि 1.31 के राउंड अब इसका एक सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, तब तक कोई बड़ी चेंज इस स्टॉक में नहीं होगी। तो यहाँ पे एक
प्लस पॉइंट जरूर है कि ये स्टॉक जो है वो 1.30 से लेके 35 के बीच में एक बॉटम फॉर्मेशन जरूर करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो पहले बहुत ही बड़ी गिरावट हो रही थी, कहीं पे भी बॉटम नहीं बन रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हो ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जरूर चला गया है। आने वाले टाइम में यदि पॉजिटिव ट्रिगर रहते हैं, स्टॉक स्प्लिट भी मिल जाता है और क्वार्टर टू के नंबर भी सही आ जाते हैं, तो फिर इस स्टॉक में एक बड़ी रिवर्सल चालू हो सकती है। ये स्टॉक अपनी कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक कर सकता है, इसलिए 1.35 पे लेवल पे फोकस करें। एक दो दिन में यदि ये स्टॉक ये लेवल को तोड़ देता है तो फिर अच्छी ब्रेकआउट आ सकती है, अदरवाइज ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट करता आपको दिखाई दे सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो इसलिए इस स्टॉक की प्राइस पे फोकस रखें, जो हमने आपको लेवल्स बताए हैं उन पर ज़रूर फोकस करें। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, यदि इसकी हम लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस देखें, वन ईयर की परफॉर्मेंस देखें, तो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक ही है और 3 अक्टूबर 2022 को इसकी प्राइस 0.21 थी, तो आज आप देख सकते हो ये स्टॉक 500% से भी ज़्यादा ग्रो कर गया है और नियरली आप देख सकते हो 533% के मल्टी बैगर रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दे चुका है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।